ये रेलवे स्टेशन है दार्जिलिंग का। 7 तारीख हमें दार्जिलिंग के अंदर, और हम आपको दार्जिलिंग की नई नई चीज़ें के बारे में बता रहे हैं और यहाँ की टॉय ट्रेन, इसकी जानकारी देते हुए आपको लेके चल रहे हैं आगे। ये देखिए मेरे लेफ़्ट साइड में कोयले के इंजन की लोको शेड। अभी चलते हैं हम बतासिया लूप लेके आपको, जो कि दार्जिलिंग की एक ख़ास जगह है। मतलब दार्जिलिंग से जो ट्रेन चलती है वो बतासिया लूप पे जाके रुकती है, उसका आपको नज़ारा दिखाते हैं। मिलते हैं आपको बतासिया लूप पे। अभी हम लोग जा रहे हैं बतासिया लूप। यहाँ से अब हम टिकट लेते हैं, 30 रुपये पर हेड है एंट्रेंस फीस यहाँ की। ये टिकट मिला है इसका, ऐसा टिकट है। टिकट ले लिया और इस पुल के ऊपर से गुजरते हुए जा रहे हैं। हमारे लेफ़्ट साइड में एक ट्रेन की पटरी है, जो कि दार्जिलिंग से ट्रेन आती है और वो बतासिया लूप पे होके पूरा राउंड मार के जाती है। देखिए आपको बतासिया लूप का नज़ारा कितना बढ़िया है। ये देखिए सामने, ये है बतासिया लूप। आई लव यू दार्जिलिंग लिखा हुआ सामने बोर्ड पे, मेरे कैमरे में दिखाई दे रहा है। पूरा सर्किल मारती है इधर से। अभी ट्रेन आने का टाइम हो गया, आपको ट्रेन दिखाते हैं। वो आ गई ट्रेन नीचे। बतासिया लूप का नज़ारा कुछ ऐसा है। देखो ट्रेन पहुंच चुकी, ये आ गई दार्जिलिंग की ट्रेन। बतासिया लूप के बाद में हम आए हैं एक दूसरे रेलवे स्टेशन पर, जो कि घूम रेलवे स्टेशन है। वो आप सामने देखिए, आपका इंजन खड़ा हुआ है और राइट साइड में डीजल इंजन के साथ में लगी हुई गाड़ी खड़ी है। इधर सड़क है, इधर ट्रेन है, और देखिए कितना बढ़िया नज़ारा आ रहा है इसका। सामने पोस्ट बॉक्स नज़र आ रहा है ब्रिटिश टैंक का। इसका निर्माण 1891 में करा गया था, जो कि सामने लिखा हुआ है, मैं उसको ही पढ़ के बोल रहा हूँ। और ट्रेन का इस प्रकार का व्यू है। ट्रैवलिंग का मज़ा ले रहे हैं लोग, अंदर बैठे हैं कुछ, कुछ बाहर घूम रहे हैं। हिमालयन रेलवे ने बहुत अच्छी तरह से इस रेलवे स्टेशन को मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक प्लेटफार्म के ठीक सामने एक छोटा सा म्यूज़ियम है, चलो आपको लेके चलते हैं म्यूज़ियम। घूम म्यूज़ियम करके है ये। सामने ये स्टीम का इंजन, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम। हाईएस्ट हेरिटेज रेलवे स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड, घूम रेलवे स्टेशन। जिसकी हाइट है 7407 फीट। और देखिए सामने डीजल इंजन खड़ा हुआ है। आगे घूम कितना गोल्डन कलर में बेहतरीन किस्म का लिखा हुआ है। यही एक छोटा सा म्यूज़ियम है। 2 इंजन हैं और 2-3 ही मालगाड़ी के डब्बे हैं। एनजीपी से लेके दार्जिलिंग तक कोई लाने का सामान का साधन कोई नहीं था। सबसे पहले ट्रेन लेके आए थे, इसी में माल आया करता था। रेलवे स्टेशन का कुछ इस प्रकार का व्यू है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये छोटा सा म्यूज़ियम ज़्यादा देर नहीं लगी, 2-4 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर घूम लिए। ये ट्रेन दार्जिलिंग जाने के लिए तैयार खड़ी हुई है। ये ट्रेन घूम रेलवे स्टेशन से निकल रही है। अब देखिए छुक छुक करती हुई दार्जिलिंग की ओर बढ़ रही है। और इसी के साथ हम इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।